राजस्थान के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के बाहर सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ कथित तौर पर डासना मंदिर के महंत नरसिंहानंद के आपत्तिजनक बयान को लेकर था। अजमेर में इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार चंद्रशेखर ने द लल्लन टॉप को बताया, 16 अप्रैल को जुम्मे की नमाज के बाद भारी संख्या में लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के गेट पर इकट्ठे हुए। इस दौरान लोगों ने डासना के महंत नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ नारेबाजी की। कई लोगों के हाथ में तख्तियां भी थी। लोगों ने मोहम्मद पैगंबर पर महंत नरसिंहानंद के दिए बयान के बाद कार्रवाई की मांग की। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण दरगाह अभी आम लोगों के लिए बंद है। मुस्लिम समाज का ये प्रदर्शन खादिमों के नेता सैयद सरवर चिश्ती के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। चिश्ती ने मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, पिछले 7 साल से इस्लाम, कुरान और पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी हो रही है। हमने आज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के मेन गेट निजाम गेट पर प्रोटेस्ट रखा था। हमने अपना गम और गुस्सा जाहिर किया। 7 सालों में हमारे खिलाफ कभी मॉब लिंचिंग, कभी लव जिहाद, तो कभी ऑर्डिनेंस, कभी एक्ट लाए गए। महंत नरसिंहानंद सरस्वती आज तक अरेस्ट नहीं हुआ है, बराबर हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा है। हम ये बातें अब ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि मुल्क का सौहार्द जिंदा रहे, हम सब आपस में प्यार मोहब्बत से जिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे और हम बर्दाश्त करें। दरगाह पुलिस थाने में इस मामले में एक FIR पहले ही दर्ज कराई गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बड़े प्रदर्शन की भी बात कही। महंत नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का ये कोई पहला प्रदर्शन नहीं है। कुछ ही दिनों पहले उत्तर प्रदेश के बरेली में हजारों की संख्या में लोगों ने महंत नरसिंहानंद के खिलाफ प्रदर्शन किया था। हाल ही में दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक व्याख्यान के दौरान महंत नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने इस्लाम धर्म के खिलाफ भी टिप्पणी की थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में केस दर्ज हुए थे। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी ओम ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।